अस्सलामु अलैकुम। इलेक्ट्रॉनिक abc.com की जानिब से मैं हूं शब्बीर अब्बासी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनवेरेक्स यूपीएस का फॉल्ट 05 या एरर 05 घर बैठे बआसानी कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये इनवेरेक्स एक्सपी सोलर यूपीएस है। इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं ये कुछ सेकंड के लिए ऑन होता है और फिर 05 एरर दिखाता है और बीप भी देता है। इसको ठीक करने के लिए पहले हमें इसको खोलना होगा। यूपीएस के बैक साइड पर 5 स्क्रू लगे हुए हैं, आप पहले इनको खोल लें, फिर ये कनेक्टर अलग कर लें, फिर ये पावर ऑन ऑफ स्विच केबल अलग कर लें, ये एलईडी केबल भी अलग कर लें और डिस्प्ले केबल भी अलग कर लें। इसके बाद मैं इसको ब्लोअर से हवा मार कर साफ करूंगा। अब मैंने यूपीएस को हवा मार कर साफ कर लिया है। अब एक दफ़ा फिर से मैं यूपीएस ऑन करके आपको दिखाता हूं। एक बात आप गौर करें कि यूपीएस का फ़ैन ऑन नहीं हो रहा, और दूसरी बात यह है कि आप जब भी यूपीएस को ऑन करते हैं तो यूपीएस कुछ सेकंड के लिए लोड उठाता है, फिर 05 एरर देता है और बीप भी देता है और आउटपुट बंद हो जाती है। 05 एरर फ़ैन के ना चलने या फ़ैन डिटेक्शन सिस्टम में ख़राबी आने की वजह से भी आ सकता है। मैं बहुत जल्द इनवेरेक्स यूपीएस के एरर कोड्स की लिस्ट electronicabc.com पर शाया करूंगा। तो चलिए इसका फ़ैन तब्दील कर लेते हैं। इस फ़ैन को 4 स्क्रू लगे हुए हैं, हम ये 4 स्क्रू खोलकर फ़ैन बाहर निकाल लेंगे और दूसरा फ़ैन लगा देंगे। फ़ैन हमने लगा दिया है, अब हम इस यूपीएस को ऑन करके देखते हैं। अब यूपीएस का फ़ैन चल रहा है और यूपीएस एरर भी नहीं दे रहा। इस वक्त यूपीएस बैकअप मोड पे है। अब हम यूपीएस को मेन लाइन से यानी बिजली से लगाकर देखेंगे कि यूपीएस चार्जिंग पे कोई एरर तो नहीं दे रहा। अब यूपीएस मेन लाइन पे शिफ्ट हो चुका है और चार्जिंग शुरू हो चुकी है और अभी तक 05 एरर शो नहीं हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।